हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज जेई लाइव डेली, यू आर वाचिंग अनअकैडमी जेई चैनल. ओके, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए. एंड बच्चों, आई मीन आपकी कमेंट्स पढ़ के बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड अगेन, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, ओके, फॉर आईआईटी जेई. और एनर्जी भी पूरी होनी चाहिए, इन दो सालों में बहुत एनर्जी करनी है. एंड अगेन पावर, अगेन यू शुड हैव द बिलीफ एंड पावर कि आप कर सकते हो. अगेन तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि वर्क, एनर्जी एंड पावर. अभी तक हमने क्या किया है, हमने अभी तक किया है वर्क डन बाय अ फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स. फिर हमने किया वर्क डन बाय अ फोर्स विच इज वेरिएबल, उसको मैथमेटिक्स को यूज करके करते हैं अगर फोर्स वेरी करता है विथ डिस्टेंस. और उसके बाद आज हम करने वाले हैं वॉट इज द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स. देन वील ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. जो नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, आज हम एक्चुअली फील करेंगे. और मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये सब कुछ. क्लियर? तो बच्चों, बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग सेशन, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से शेयर कर दो. ओके, जस्ट शेयर दिस क्लास राइट हेयर राइट नाउ विद द हैशटैग जेई लाइव डेली. ओके, लेट्स शेयर इट. एंड अगेन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए. ठीक है, तो एक मिनट बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यार ये हमारी ऑसम टीम है जिसने एक वचन लिया था कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए कभी किसी को पे नहीं करना पड़ेगा. ओके, इट विल बी फ्री फॉर ऑल. एंड अगेन, हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा आगे बढ़ेगा. ये रेवोल्यूशन भी हमने स्टार्ट किया था आप सब लोगों के लिए. एंड अगेन, दिस इज आर ऑसम टीम. अगर आप हमारी ऑसम टीम के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, जैसे कि 12,000 बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि 3,00,000 बच्चे, लगभग 3,00,000 होने वाले हैं कुछ 5-6 दिनों में, 3,00,000 बच्चे यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं. पहले हम खाली 4 थे, बट अब आप सब लोग हमारे साथ हो. मैं बहुत खुश हूं ये बताने के लिए कि आईआईटी जेई के लिए एक यूट्यूब चैनल, जो खाली एक यूट्यूब चैनल जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, दैट इज अनअकैडमी जेई. ओके, एंड ये स्टैटिस्टिक्स मुझे मिले थे यूट्यूब से. अब एवरीवन, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. टेलीग्राम ऐप है जो इंस्टॉल करनी है आपको, अपने फोन में इंस्टॉल करो और फिर आप भी उसका हिस्सा बन जाएंगे कि आप उस ग्रुप चैट में आ जाएंगे जहां पे हम चारों के चारों हैं. तो अगेन, अपने फोन में पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करो, फिर ब्राउजर पे जाओ, जैसे कि गूगल क्रोम या ओपेरा या सफारी या ये सारे जो होते हैं ना, फायरफॉक्स. फिर वहां पे जब वेबसाइट डालते हैं ना, वहां पे ये डाल दो tinyurl.com/jeelivechat. अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो आप आ जाओगे. चलो, बहुत बढ़िया बच्चों. एंड लेट्स, आई कैन क्लियरली सी 100 बच्चे से ज्यादा ऑलरेडी आ चुके हैं. अगेन, लेट्स सेट अ टारगेट ऑफ 500 likes एक्चुअली बिफोर दिस अमेजिंग क्लास एंड्स. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगेन, इफ यू वॉन्ट टू टेक योर आईआईटी जेई प्रेपरेशन टू द वेरी नेक्स्ट लेवल, ओके, तो प्लस में आपको आना. अगेन, इट्स अ ग्रेट थिंग इफ यू कैन कम. अनअकैडमी, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ, अनअकैडमी स्टैंड्स फॉर, अगेन अनअकैडमी इज अ स्टेटमेंट, इट इज अनअकैडमी. और जो सबसे बढ़िया बात है बच्चों, अनअकैडमी इज अनबीटेबल. अनअकैडमी, जैसे कि महेंद्र सर भी बोलते हैं, इट इज अनमैचेबल एंड इट इज अनबिलीवेबल एंड अनस्टॉपेबल. एंड अगेन, अनअकैडमी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो अमेजिंग है. एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे सबसे ज्यादा लर्नर्स और सबसे ज्यादा एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. हमारी पूरी टीम यहाँ पे लाइव पढ़ाती है. बस यही है कि यहाँ पे नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज है, क्विज है, डाउट सेशन है, सारे सेशन होते हैं 11th 12th के ड्रॉपर्स के, और भी टीचर्स पढ़ाते हैं. एंड अगेन, लाइव डाउट सेशन होते हैं, इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड, वो आपके पेस के हिसाब से चलता है. यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सिग्नेचर कोर्सेज मिलेंगे, 11th के कोर्सेज मिलेंगे, 12th के कोर्सेज मिलेंगे, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के कोर्सेज मिलेंगे और एंड व्हाट नॉट. एंड अगेन, खाली यही कोर्सेज नहीं, इससे बहुत ज्यादा है. बिट सैट के कोर्सेज, एवरीथिंग इज ओपन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो. तो ये एक नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की तरह कि आपने ले लिया, सब कुछ ओपन है आपके लिए. तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टीचर का अटेंड करना है, बिकॉज योर प्रेपरेशन, योर सिलेक्शन इन आईआईटी जेई डजंट रिवॉल्व अराउंड विच इंस्टीट्यूट यू गो इन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर. अगर आपको 3 अच्छे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर्स मिल जाएंगे तो आपका सफर डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव मोड लेगा. अब आगे बढ़ते हैं, कैसे ले सकते हैं इसको, अब मैं आपको बताता हूँ. अपने फोन पे, अगर आप फोन पे लेना चाहते हो या अगर लैपटॉप है आपके सामने, तो यू कैन गो टू unacademy.com/plus. बहुत सिंपल है. मोबाइल के लिए बहुत सिंपल है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, जो इंडिया की टॉप लर्निंग ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमेशा टॉप ट्रेंडिंग में रहती है. तो यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो. इंस्टॉल करने के बाद यू कैन गो टू, यहाँ पे प्लस का सेक्शन होता है, होम नहीं, प्लस पे जाओ, प्लस पे आईआईटी जेई सेलेक्ट करो और गेट सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आईआईटी जेई गेट सब्सक्रिप्शन, नीट वालों के लिए नीट का भी है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है. तो यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं कि यार आपके लिए ये सब खुल जाएगा, यू कैन एक्सेस एवरीथिंग. अगर कुछ मिस हो गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप, अगर कोई लाइव क्लास मिस हो गई आपसे.
तो यहाँ पे 1 month, 3 month, 6 month, 12 months और 11th स्टैंडर्ड के लिए एक स्पेशल हमने किया है 2 साल का सब्सक्रिप्शन 24. तो मैं बोलूंगा कि आप 1 साल, अगर आप 12th या ड्रॉपर हो तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि इसकी पर मंथ कॉस्ट काफी कम आती है. जैसे 1 month में 5000 आती है तो इसमें 2000 आती है, क्योंकि अगेन एज आई कीप सेइंग अनअकैडमी इज नॉट फॉर प्रॉफिट, कि बच्चा बच्चा गांव गांव में से अफोर्ड कर पाए. इसलिए इसका पर मंथ कॉस्ट, अगर आपने ये अमेजिंग कोड यूज कर लिया, ये हमारी टीम का कोड है, तो अगेन अगर आपने ये जेई लाइफ कोड यूज कर लिया तो आपको 10% ऑफ हमारी तरफ से मिलेगा. फॉर ऑल आर व्यूअर्स आउट हियर, आपको जेई लाइफ कोड यूज करने पे 10% ऑफ मिलेगा इन दोनों पे. पर मंथ कॉस्ट अगर 1 साल की बात करें तो खाली 1 महीने की कॉस्ट खाली 1800 आएगी, 1 साल की 22,500, 1 दिन की कॉस्ट बच्चों खाली 50 रुपए आएगी मात्र. सो डेफिनेटली गो फॉर दिस, एंड वो कोड यूज करना मत भूलना, इसका लिंक हमने नीचे दे रखा है. सो दिस इज स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स. अगर आप एक नए स्टूडेंट और अगर आपने जेई लाइफ कोड यूज किया तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं namo@unacademy.com, यू विल गेट समथिंग लाइफ चेंजिंग फ्रॉम माई साइड एज वेल. आगे बढ़ते हैं. सो गाइज, दिस इज द लेक्चर 4 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका. ये क्वेश्चन हमसे छूट गया था पिछली क्लास में, ठीक है. अब ये क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन एन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, अब यार इसमें ये गिवन है, ये फोर्स है आपका, है ना, जो वेरी कर रहा है विद एक्स एंड वाई. जैसे 0,0 पे फोर्स 0 है, 1,1 पे क्या होगा, 1i+1j, है ना. तो वैसे ही आप a, a पे जा रहे हो. तो पहला पार्ट करते हैं इसका, एवरीवन प्लीज सी, पहला पार्ट करते हैं. पहला पार्ट ये बहुत सिंपल है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ये डायरेक्टली 0,0 से a, a जा रहा है. तो ये लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू x, क्योंकि 0,0, 1,1, 2,2 ये वो वाली लाइन है. तो y इक्वल्स टू x है लाइन. ओके, इसकी स्लोप क्या है, 45 degrees, है ना. तो y इक्वल्स टू 1x+0 y इंटरसेप्ट. तो यार ये लाइन आपको पता है, इट इज अलोंग दिस, ठीक है. तो आपको बताना है कि वर्क डन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, क्लियर. तो अब आपको ये निकालना है इसमें कि अगर डायरेक्टली ये स्ट्रेट लाइन पे जाता है तो उसका वर्क डन क्या होगा. तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है. तो वर्क डन के लिए हम सबको पता था कि dW क्या होता है, dW is FdS, क्योंकि ये देखो फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, फोर्स इज वेरिएबल. तो एफ डॉट डी एस लगा दोगे तो ये आपका ds, एफ डॉट डी एस, है ना, समझ रहे हो ना, हर जगह डिफरेंट फोर्स लग रहा है. तो यार ds क्या होता है, अब ये भी पता है ds क्या होता है, dxi+dyj, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो अगेन ये स्पेशली JEE मेन्स और एडवांस्ड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ds क्या होता है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे ऐसे ds मार देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे, तो सबको पता है डिस्प्लेसमेंट इन x क्या होगा, dx, और डिस्प्लेसमेंट इन y क्या होगा, dy. तो आप क्या लिखोगे, ds is equals to dxi+dyj, क्लियर. तो ये आपको पता है. तो यार अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो. नाउ इफ यू नो दिस एंड इफ यू नो दिस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या आएगा, एवरी वन प्लीज सी. तो इसमें आपका आएगा yi+xj डॉट प्रोडक्ट विथ dxi+dyj डॉट प्रोडक्ट में, this into this, इट्स अ स्केलर, है ना. तो चलो वर्क भी स्केलर होता है, dW, छोटा सा dW आ गया, है ना. तो dW इज इक्वल्स टू yi+xdy, बहुत बढ़िया. अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. अब x की लिमिट्स बताओ, 0 से a इज x की लिमिट्स, x 0 से a जा रहा है तो लिमिट्स डाल दो 0 से a, और y की लिमिट्स क्या है, 0 से a, 0 से a. यार बट एक प्रॉब्लम हो गई कि dx के साथ y है, y के साथ dx है. अब यहां पे क्या करें, इट इज अलोंग, ये वाला चीज यूज करो, यूज दिस. ओके, नाउ यूज y इज x इज इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, वो इक्वेशन, क्योंकि इट्स ऑलवेज अलोंग दैट लाइन. हमेशा आपको पता है पाथ में अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम होंगे, 0,0, 0.1, 0.1, π, ऐसे होगा ना हमेशा. तो यार ये वर्क डन क्या होगा, ध्यान से देखो. तो इसको ये सिंपली 0, a, x, dx लिख सकता हूं मैं इसको, y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे होमोजीनियस कर दिया, y की जगह y, ये की इसकी जगह ये. तो यार अब ये, अब देखो x dx, तो ये क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका आ जाएगा x² / 2 0 से a प्लस y² / 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से a, और ये आपका वर्क डन होगा. क्या आएगा, a² / 2 + a² / 2 आ जाएगा आपका a² दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. अब सेकंड पार्ट इसका देखो एवरीवन, अब इसका सेकंड पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अब इसका सेकंड पार्ट ये नहीं है, इसका सेकंड पार्ट कहता है इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, प्लीज सी दिस, फ्रॉम 0 to a एंड देन टू a कॉमा, हाँ मतलब यहां से यहां मूव करता है, फिर यहां से यहां मूव करता है. प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट, इट इज क्वाइट डिफरेंट, काफी ज्यादा अलग है. अब तुम यहां से यहां जा रहे हो, ध्यान से देखो,
है ना, तुम पहले तो यहाँ से यहाँ जाते हो, फिर तुम यहाँ से यहाँ जाते हो, पहले तुम ए डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, फिर ए डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हो, यहाँ और फिर यहाँ। अब इस प्रॉब्लम को ओरली कैसे सॉल्व किया जाए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके तो आई एम गोइंग टू से एवरीवन, अगर आपने क्विज वन अटेंड किए, क्विज टू अटेंड किए, तो ये आपको बहुत इजीली आ जाएगा समझ में। तो यार ये अब मैं इसको पाथ नंबर वन कह रहा हूँ, ये पाथ नंबर टू कह रहा हूँ, वन एंड टू, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसके लिए, बच्चों ध्यान से देखो, वर्क नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, वर्क डन इन टेकिंग इट फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन हियर टू हियर। तो बच्चों वन की बात करते हैं, अगर मैं वन की बात करूं, ध्यान से देखो है ना, वर्क डन, अब मैं अगर इसकी बात करूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, इसकी बात करूं खाली, तो अब ध्यान से देखो, ये पार्टिकल यहां ट्रैवल कर रहा है ना, दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, जल्दी से बताओ, एस वन इज इक्वल टू ए, ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, ब्लैक वाला ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फोर्स एक्स में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है, देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यार अब मुझे पता है ये चीज कि एफ एक्स, ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू y, ठीक है, एंड एफ वाई इज इक्वल टू x, फोर्स इन द x, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई, ठीक है, तो फोर्स इन द x डायरेक्शन इज y, ओके। और अब यहां पे देखो, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में y क्या है, y जीरो है हमेशा, y जीरो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा जीरो, सॉरी जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है, y इज द हाइट, राइट, तो यहां पे y जीरो है, हमेशा y जीरो है, तो अब यहां पे एवरीवन प्लीज सी, y विल बी जीरो एवरीवेयर, y will be zero everywhere. तो अब आप ये वाला force देख रहे हो fx, तो आप क्या लिखोगे, fx will be equal to y which will be equal to zero, समझ रहे हो, मतलब कोई force ही नहीं लग रहा, x में कोई force ही नहीं लग रहा, और fy तो आपको देखना ही नहीं है, you don't have to see fy ना, जो fy force है, ध्यान से देखो, fy तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो perpendicular है, ये तो perpendicular force है, ये यहाँ पे कितना लग रहा है, zero newton, one comma zero पे क्या लगेगा, one newton, क्योंकि fy is x, ठीक है, बट ये फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इस फोर्स से तो कोई वर्क नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ध्यान से देखो, वर्क डन w1 विल बी इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिखोगे 0 into a, ठीक है, 0 into a, तो ये आ जाएगा 0, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, एवरी वन, अब बात करते हैं इसकी w2 की, है ना, w2 की बात कर लेते हैं। अब w2 में क्या है कि वो यहां से यहां जा रहा है बच्चों, ओके वो यहां से यहां जा रहा है, अभी तो ये जा रहा था जीरो कॉमा जीरो से ए कॉमा जीरो, अब ये महाशय जाएंगे, एवरीवन प्लीज सी, अब ये महाशय जाएंगे यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये है ए कॉमा ए और ये है ए कॉमा जीरो, क्लियर, ए कॉमा ए और ए कॉमा जीरो। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन एस टू क्या है, ए के बराबर, ए का डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पे भी x का फोर्स नहीं देखोगे क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से, x का फोर्स देखो ही मत, खाली y का फोर्स देखो, y में क्या फोर्स लग रहा है, x के बराबर, y में क्या फोर्स लग रहा है, fy is x। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब यहां पे x क्या है, अब देखो यहां पे x is always a, a देखो ये a comma 0 है ना, देखो ध्यान से a comma 0, फिर a comma 1, a comma 2, a comma 3, a comma a, है ना, तो a ही है हमेशा, this is along, so this line is known as y comma y is equals to 0, this line is known as y is equals to a, ठीक है। तो यार इस लाइन पे, this is the line along x is equals to a, ठीक है। तो यार अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो फोर्स है ये a के बराबर होगा क्योंकि it is along x is equals to a, तो यार फोर्स a है, displacement भी a है, तो भाई क्या होगा, ये कांस्टेंट फोर्स हो गया ना, तो यार यहाँ पे w2 निकालो, w2 will be a into a, तो ये क्या होगा, a square, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यार आपका आंसर क्या आया जल्दी से बताओ, यहां से ये जीरो आया, सो व्हाट इज द आंसर, w net is equals to a square, w1 plus w2, so this is your answer, for both the cases your answer is a square, clear है, आई होप एवरी वन इज लविंग दिस, बहुत सिंपल है, मैंने इसको बहुत लंबे तरीके से नहीं करने की कोशिश की है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो यार अब इसको कैसे समझते हैं, यार इसको कैसे समझना है, अब समझो ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, तो यहां पर स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं थी, मैंने इसको ऐसे स्प्रिंग, मतलब ऐसे ऐसे इस ब्लॉक को यहां से यहां कर दिया, ओके यहां से यहां कर दिया, तो भाई अब यार एक चीज बताओ, तो मैंने कुछ तो फोर्स लगाया होगा, तो मैंने, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या लगाया, एफ एक्सटर्नल लगाया फोर्स, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसके बराबर ही, हमेशा मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं, जब के एक्स, अब ध्यान से देखो, जब के एक्स के बराबर लग रहा है, तो मैं भी उतना ही लगा रहा हूं, एक्सेलरेट नहीं करना है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे ले जाना है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाया फिर के एक्स बढ़ा तो के एक्स बढ़ा तो ये भी मैंने बढ़ाया तो बेसिकली मैं इसको जीरो एक्सेलरेशन से ले जा रहा हूँ तो जितना के एक्स लग रहा है उतना ही मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बेसिकली धीरे 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 मैंने बहुत काम किया देखो आई हैव डन तो मैंने ये फोर्स ऐसे लगाया मेरा डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ तो मैंने कुछ मतलब मेरी कुछ एनर्जी बर्न हो जाएगी समझ लो तो मेरी बॉडी से एनर्जी चली गई क्योंकि मैंने काम कितना किया मैंने एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स काम कर लिया समझ में आ गया मैंने उतना काम कर लिया बट वो वेरिएबल फोर्स है अब इस सिंपलिसिटी के लिए समझो कि मैंने कुछ पॉजिटिव वर्क किया बट स्प्रिंग ने क्या काम किया स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा ऐसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो when the spring was being elongated the spring did negative work but अगर compression से तुम छोड़ते हो अगर compression compress कर दिया और तुमने छोड़ दिया तो spring force ऐसे लग रहा है displacement भी ऐसे हो रहा है तो in that case spring का work done positive होगा तो बच्चों यार ये चीज समझने की बात है कि spring force यार ये work done by spring force can be positive negative or zero कुछ भी हो सकता है okay अगर अब देखो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे spring बिल्कुल compressed थी ठीक है कंप्रेस्ड ठीक है एंड दिस इज इलोंगेटेड ठीक है तो इसमें क्या होगा कंप्रेस्ड में स्प्रिंग फोर्स भी ऐसे लगेगा FS डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का ऐसे होगा ठीक है डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा तो यार वर्क डन विल बी पॉजिटिव स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस क्या होगा जब मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूं तो वर्क डन विल बी नेगेटिव क्लियर तो अब इसी चीज को समझते हैं ओके इस चीज को समझते हैं तो ये क्या है बच्चों ये नेचुरल लेंथ है बिल्कुल ये शांत बैठा है नेचुरल लेंथ पे अब मैंने ये इसको इलोंगेट कर दिया x मैंने इसको ऐसे धीरे धीरे इलोंगेट कर दिया कि x इस पे अभी फोर्स लग रहा है कुछ तो वर्क डन था जो स्प्रिंग ने किया अब एनर्जी के फॉर्म में बाद में समझेंगे एनर्जी वैसे मैं ऐसे एनर्जी से करता हूँ सो माय स्टाइल इज डूइंग इट द प्रॉब्लम्स विद स्प्रिंग हैज एनर्जी ये वाला मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उससे काफी विजुअल हो जाती है चीजें वो बाद में पढ़ेंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको एक और लेक्चर तो आपको बहुत मजा आएगा उसके बाद बट अभी जस्ट अंडरस्टैंड पहले अभी बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ अब देखो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है ठीक है अब यार निकालना क्या है हमें नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग एक केस के लिए करते हैं कि यार अगर मैंने स्प्रिंग को इतना इलोंगेट कर दिया तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग तो हमेशा डिफरेंट फोर्स लग रहा था जीरो पे के एक्स स्प्रिंग फोर्स इज जीरो ओके वन मीटर पे के इंटू वन टू मीटर पे के इंटू टू है ना तो एक्स पे के एक्स फोर्स लग रहा है ना समझ रहे हो मेरी बात तो यार जब स्प्रिंग फोर्स ही वेरिएबल है जब स्प्रिंग फोर्स ही वेरिएबल है जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो फोर्स इतना था डिस्प्लेसमेंट इतना था फिर यहाँ पे आया तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया फिर डिस्प्लेसमेंट उतना ही है समझ में आ रहा है तो वर्क डन इज अ वेरिएबल मतलब वर्क इज बीइंग डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्योंकि स्प्रिंग इज अ वेरिएबल फोर्स अभी ज्यादा करोगे तो ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना तो जब वेरिएबल है समझ में आ गया तो अब इस केस में हम कैसे निकालते हैं अब ध्यान से सुनना तो बेसिकली हम बोलते हैं कि यार अगर एट अ डिस्टेंस एक्स यहाँ पे अगर इलोंगेशन एक्स का हो गया है अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोलने वाला हूं तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूं यहां पे एक्सटर्नल कई बुक्स में लिखा होता है कई बुक्स में नहीं लिखा होता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ठीक है अब देखो ये तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इक्वल टू के एक्स तुमने यू आर मूविंग इट स्लोली तुमने कितना डिस्प्लेस करना है इसको तुमने इसे डिस्प्लेस करना है डी एक्स समझ गए मेरी बात बच्चों तो यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक बाय डी एक्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तुम इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी एफ एक्सटर्नल इनटू डीएक्स समझो एफ एक्सटर्नल इनटू डीएक्स ठीक है और एफ एक्सटर्नल के एक्स के बराबर है ठीक है चलो वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं निकाल रहे हम निकाल रहे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी के एक्स डीएक्स बट यार एक और चीज है इंपॉर्टेंट समझने की यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या था जब इसको मैं dx लेके गया तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा था डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था तो यहीं पर साइमल्टेनियसली ये भी लिखते रहो वर्क डन बाय द स्प्रिंग dw सॉरी ये छोटा वर्क डन है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन ओके खाली इतने से मैं वर्क डन निकाल रहा हूं अब देखो ये चीज समझना मेरी ध्यान से बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से तो यार अब मैंने क्या किया वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा मेरा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स तो आप ये देख पा रहे हो कैन यू सी दिस दैट द वर्क क्योंकि ये फोर्सेस हमेशा एक ऑपोजिट है क्योंकि फोर्सेस ऑलवेज ऑपोजिट है तो इफ यू एक्चुअली सी एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ एफ स्प्रिंग ठीक है क्योंकि ये ऑपोजिट वेक्टर्स हैं इसलिए मैं लिख सकता हूं
कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव टाइम्स द वर्क डन बाय द स्प्रिंग. ठीक है, नेगेटिव टाइम्स द वर्क डन बाय स्प्रिंग. ठीक है, मतलब इतना कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझो कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालना आसान है. तो यार ये आपने लिख दिया, चलो वर्क डन निकाल ही लो. कहां से कहां तक निकालना है, तो अब मैं बताता हूं कहां से कहां तक निकालना है. तुमने तुम्हें वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकालना है कि यार स्प्रिंग किसी इनिशियल पॉइंट पे थी. ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो मान लो. ओके, x इज इक्वल टू जीरो मान लो, और उसके बाद इसको जाना है, उसका अंतिम डेस्टिनेशन है xf, फाइनल. ओके, दिस इज x इज इक्वल टू जीरो या x इनिशियल. हो सकता है कि x इनिशियल से स्टार्ट किया था उसने, फर्क नहीं पड़ता. मैंने किसी आर्बिट x पे ये वर्क डन निकाल लिया. तो जीरो से, अब ध्यान से सुनो, मैं जीरो से x फाइनल इसका वो निकाल रहा हूं वर्क डन बाय द स्प्रिंग. अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ले जा रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा, वो आएगा हाफ के xf स्क्वायर के बराबर. अभी उसको ही निकालते हैं. अरे बड़ा सिंपल है. अब देखो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकाल लो. ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकाल लो. ठीक है, तो यार ये क्या है, ये करना है तुम्हें फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू xf. ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू xf लिमिट लगा दी तुमने. तो ये क्या आएगा, एवरीवन प्लीज सी, तो ये आ जाएगा k x स्क्वायर बाय 2 डिफरेंशिएशन अब 0 से x फाइनल. तो ये किसके बराबर आ गया, हाफ k, एवरीवन प्लीज सी, हाफ k xf स्क्वायर के बराबर आ गया. ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा, लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना. तो इसमें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि यार ये क्या है, ये तो डब्ल्यू एक्सटर्नल है. ठीक है, ये तो डब्ल्यू एक्सटर्नल है, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, यू नो दिस. ठीक है, ऑपोजिट फोर्सेज हैं. तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस के एफ एक्स एफ स्क्वायर. बट अगर ये जीरो नहीं होता, अगर मैं बोलता एक्स आई से एक्स एफ, तो अगर मैं लिमिट्स एक्स आई से एक्स एफ लगाता, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स, एवरीवन प्लीज सी दिस, तो मेरा आंसर ये आ जाता, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स विल बी दिस. क्लियर, समझ में आ गया मैंने क्या बोला. तो इसको फिर से समझते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे आओ बच्चों. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर एक स्प्रिंग है, ध्यान से देखो, अगर एक स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है, इस बार बहुत छोटा सा एम बनाते हैं. ठीक है, ये पॉइंट मास होते हैं वैसे भी. ठीक है, ये मास बना दिया पॉइंट एम. अब यार ये है नेचुरल लेंथ, ये है नेचुरल लेंथ. अब अगर कोई मुझे बोले कि, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब अगर कोई मुझे बोले कि मैं इसको इसको जीरो से, अब ये क्या है x इज इक्वल टू जीरो, अब अगर मैं इसको से एक्स आई से एक्स एफ ले जा रहा हूं, ठीक है, एक्स आई से एक्स एफ, तो मतलब ये, अब अगर मैंने एलोंगेट की, ध्यान से देखो, ठीक है, ये है उसका एक्स आई, ध्यान से देखो, एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, और एक और बनाया मैंने, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहां से और इलॉन्गेट कर रहा हूं मैं इसको, है ना, ध्यान से देखो, तो ये हो गया एक्स एफ. तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ध्यान से सुनो, इन दिस केस द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, ओके, इसको अपने नोट्स में लिख देना, क्योंकि ये तुम्हारे नोट्स में नहीं आएगा, विल बी माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर. ठीक है, अगर एक्स आई जीरो था, अगर एक्स आई जीरो था तो माइनस हाफ वो आया था, तो इन दिस केस ये आएगा माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर. तो बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, बट जब आप स्प्रिंग एनर्जी करोगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, मतलब यू नेवर हैव टू यूज दिस ऑल्सो, बताऊंगा कैसे, बट अगेन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज एनर्जी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली अब यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर योर नोट्स. तो एवरीवन फोकस ऑन दिस फॉर्मूला. ठीक है, वैसे आई डोंट रेकमेंड यू टू रेक्टिफाई दिस, वैसे सिंपल है समझना. ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज हाफ के माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर की तरह होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इट्स माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं, चलो. ओके, अब तो बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स. बट आपको पता होगा फिजिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द लीस्ट लगेज, क्योंकि लगेज आपका वैसे ही बहुत ज्यादा होता है. तो यार अब ये समझ में आ गया कि यार अगर फॉर्मूला ये होता है कि हाफ माइनस हाफ के एक्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगर ये होता है तो आप कुछ अजम्पशंस, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो यहां से. यू कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन, मैथमेटिकल कंक्लूजन. वो क्या होंगे,
कि यार इफ एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एफ, इफ एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एफ, तो यार ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो वर्क डन मतलब बेसिकली वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इफ एक्स एफ, देखो अगर ये चीज इससे बड़ी हुई तो यार वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यार ये चीज पॉजिटिव हो गई और नेगेटिव साइन है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो गए, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एफ, अगर स्प्रिंग उसी पॉइंट पे आ गया तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी जीरो, बिल्कुल हाँ जीरो हो जाएगा। अगर एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एफ, अगर ये चीज ज्यादा बड़ी हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए कहते ना कि यार अब एक और चीज देखते हैं, अब ध्यान से देखो ये एक स्टेट है, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता क्योंकि स्क्वायर है, एक्स आई और एक्स एफ का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो कंप्रेशन है, ये इनिशियल स्टेट क्या है, ए की एक्स वन कंप्रेस्ड है, तो एक्स वन है ये, है ना, ये लेंथ एक्स वन है। अब ये लेंथ नेचुरल लेंथ है, सब कुछ नेचुरल लेंथ से बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स थी, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो जब तुमने एक्स वन कंप्रेस किया फिर एक्स टू कंप्रेस किया, तो बेसिकली एक बार तुमने क्या किया, X1 से इसको X2 पे ले गए, और एक बार तुमने X1 से X2 ले गए यहाँ पे, मतलब फ्रॉम द नेचुरल लेंथ यहाँ पे X2। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A टू C, समझ में आ गया, वर्क डन फ्रॉम A टू B शुड बी इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम A टू C। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक्स आई क्या है इसमें एक्स वन के बराबर है, यहाँ पे एक्स एफ क्या है, ये देखो फॉर्मूला ये है ना तुम्हारा, एक्स एफ क्या है इसमें एक्स टू के बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, खाली ये लेंथ, समझे मेरी बात। और यहाँ पे क्या है, एक्स एफ तुम्हारा एक्स टू के बराबर है, तो यार वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और यहां से भी उतना ही आएगा, समझ में आ गया। सो डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस, और यहाँ पे x1 और x2 इज द लेंथ फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, पॉजिटिव नेगेटिव मत समझना इसको, क्योंकि एनीवेज यार ये स्क्वायर है, एनीवेज ये स्क्वायर है, तो तुमने x2 यहाँ लिया या x2 यहाँ लिया, इनिशियल पोजीशन ये थी दोनों के लिए, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये इनिशियल है ये फाइनल है, यहाँ एवरी वन प्लीज सी, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, वर्क डन विल बी द सेम, समझे, वर्क डन विल बी द सेम। ये थोड़ा विजुअल वे इसको समझने का, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एवरीवन प्रॉब्लम करते हैं तो एकदम से समझ में आ जाएगा, अब ये डोंट एक्सपेक्ट सच ए सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम टू कम, बट सिंपल है, स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय द स्प्रिंग। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल स्प्रिंग टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, ओके 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो यार ए में, अब देखो ए में अगर तुम देखो तो एक्स आई क्या है, जीरो है, ओके एक्स एफ क्या है 10 सेंटीमीटर है, एक्स एफ क्या है 1 बाय 10 क्या होगा, मीटर्स होगा, क्योंकि सब कुछ हमें चाहिए एसआई यूनिट्स में। अब यार यहां पे हो क्या रहा है, पहले ये समझ लो, ये हो ये रहा है कि तुम्हें स्ट्रेच करनी है स्प्रिंग को, है ना, तो ये तुम्हारी नेचुरल लेंथ है, समझे, ये तुम्हारी नेचुरल लेंथ है और तुम्हें इसको स्ट्रेच करना है यहां से यहां, ठीक है, यू हैव टू स्ट्रेच इट यहां तक, समझ गए मेरे बच्चों, यू हैव टू स्ट्रेच इट बाय 1 बाय 10। अब खुद ही बताओ मुझे कि अगर मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा, यहां से यहां ले जा रहा हूं स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो यार नेगेटिव होगा, तो वर्क डन वैसे ही दिख रहा है कि नेगेटिव होगा, तो यार तुम्हारा ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, है ना, मान लो कि डी भी नहीं है, तो यार ये तो समझ में आ गया कि माइनस वन आना चाहिए, और फॉर्मूले से भी वही आएगा, अब फील करके करो उसको, फॉर्मूले से भी यही आएगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, विच विल बी माइनस हाफ के क्या होगा, -100, ठीक है, -100, और ये क्या होगा, जीरो स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों, एक्स एफ, सो दिस विल बी 1 बाय 100 का स्क्वायर माइनस जीरो, क्लियर, तो ये क्या आ गया, -1 जूल, बहुत बढ़िया, -1 जूल आ भी गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट, ठीक है, अब सेकेंड पार्ट बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो गया, एनर्जी के बिना बता रहा हूं, खाली वर्क डन। अब देखो एनर्जी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, बट वो बाद में करेंगे, अब बी वाला पार्ट देखते हैं। अब बी वाले पार्ट में क्या है, 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, 10 से और 20 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली अब नेक्स्ट वाला सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, ये इनिशियल सिचुएशन है कि यार ये नेचुरल लेंथ थी बट ये ऑलरेडी 1 बाय 10 है सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर, और तुम इसको ले जा रहे हो और आगे, ठीक है, तुम इसको यहां पे ले गए,
ठीक है, तुम इसको कहां पे ले गए, 1/20 पे ले गए इनिशियल फाइनल। तो यार तुम्हें पता है कि एक्स आई क्या है, 1/10। अब तुम्हें यह भी पता है कि एक्स एफ क्या है, 1/20। ठीक है, अब निकाल लो यार क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। सो एवरीवन, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो ये भी तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है एफ एस, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो नेगेटिव तो होना ही चाहिए। तो आपका आंसर तो वैसे दिख गया यार, एक ही में नेगेटिव है, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन ही होगा, वैसे इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, -1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, वैसे आई डोंट लाइक दिस फॉर्मुला बेस्ड अप्रोच, मैं खुद इसको ऐसे नहीं करता, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं खुद कैसे करता बाद में, वंस आई टेल यू अबाउट स्प्रिंग एनर्जी। बट अभी इसको देख लो, ये भी आना चाहिए। तो हाफ के क्या होगा, ये हो जाएगा -100। दिस इज अनलाइक मी वैसे। अब देखो एक्स एफ क्या है, 1/20, 1/20 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/400 होगा, ये क्या होगा, 1/100 होगा। क्लियर, तो बहुत बढ़िया है। तो ये क्या रहा है, 1/4, रुको ये सही आ रहा है क्या, इज एवरीवन गेटिंग दिस हाफ के, हाँ 20 क्या होगा, 1/5। अरे यार ये गलती हो गई ना अपन से, सॉरी एक गलती हो गई है, एवरीवन प्लीज सी, वी हैव डन अ वेरी बिग ब्लंडर, ये बहुत बड़ा गलती हुई है ना। एक्स आई तो सही है ना, बट एक्स एफ क्या होगा, ये 1/20 नहीं होगा, ये 1/20 नहीं होगा, ये 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 होगा क्योंकि ये 20/100 है, 20/100 है, समझ गए ना, ये क्या है, 1/5 होता है मीटर, और ये क्या होता है, 1/10 मीटर होता है। ठीक है, तो थोड़ा फील में आके 1/10 और 1/20 कर दिया था, आपको समझ में आ गया दिमाग कैसे चला था, गलत चला था वैसे। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दो जल्दी से, है ना, ऐसे आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। (4)4, तो ये 100 हो गया, तो ये 3/100 हो जाएगा। ठीक है, 3/100, तो ये -3 आ जाएगा, समझ में आ गया, -3। तो ये मेंटल टेक्निक्स होती है, देखो मैंने एलसीएम भी नहीं किया, बस मैंने देखा इन दोनों को होमोजीनियस करो, तो मैंने देखा 3/100 हो रहा है, 100 कैंसिल, खत्म। ठीक है, -3 जूल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं, आज एक क्विज हमने की थी, क्विज नंबर 2, और उसमें एक प्रॉब्लम था, है ना, उसमें एफ एक्स ग्राफ था। तो यार एफ एक्स ग्राफ से आपको समझना क्या चाहिए, कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका जो एरिया होता है ना, वो हमें देता है वर्क डन, क्योंकि वर्क डन क्या होता है बच्चों, बाय अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, देखो फोर्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ और फोर्स है, यहाँ पे कुछ और फोर्स है, यहाँ पे कुछ और फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स वेरी कर रहा है, तो यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल एफडीएस होता है ना, ये वर्क डन होता है इंटीग्रल एफडीएस। अब यार यहां से अगर आप देखो एरिया की बात करें, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब अगर ये तुम्हारा एक्स आई है, ये तुम्हारा एक्स एफ है, तो तुमने एट अ डिस्टेंस एक्स एक छोटा सा dx ले लिया, एट अ डिस्टेंस x, रुको, एट अ डिस्टेंस x तुमने, ये तुम्हारा xi है, ये तुम्हारा xf है, ठीक है, xi xf, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ तो ये तुम्हारा xi, अरे यार है ना, तो एवरीवन यार इसको नहीं करते, ठीक है, इसको नहीं करते, एट अ डिस्टेंस x तुमने छोटा सा dx लिया है। अब यहां पे जो फोर्स है ना बच्चों, एवरीवन प्लीज सी, यहां पे जो फोर्स है, आर्बिट फोर्स, ये है f, तो ये छोटा सा जो एरिया हुआ ना इसका रेक्टेंगल का, तो ये है एफ, ये है dx, ठीक है, तो इसका जो छोटा सा एरिया है वो क्या आएगा, एफ डी एक्स के बराबर, एफ डी एक्स। और यार अगर मैं x में ही बात कर रहा हूं तो इसको मैं एफ डी एक्स ही लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं x में ही मोशन हो रहा है, तो dA इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, तो ये छोटा सा एरिया हुआ। अगर मुझे इस एरिया को पूरा इंटीग्रेट करना है छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, तो मुझे इंटीग्रेट कहां से करना पड़ेगा, एक्स आई से एक्स एफ करना पड़ेगा, क्लियर, तो मैं वही करूंगा। तो बेसिकली इफ आई इंटीग्रेट दिस, तो अल्टीमेटली तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एरिया और इन दोनों को कंपेयर कर लूं, एवरीवन है ना, कंपेयर कर लूं, तो यहां पे बोल सकता हूं ना, एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक है, वर्क डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ गिव्स यू वर्क डन बाय दैट फोर्स। अब यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वर्क डन ऐसे नहीं आएगा, वर्क डन निकालो, बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक वर्क डन निकालो। अब अगर वो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, अगर नीचे होता है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। बट यार एक चीज वैसे भी समझ में आ जाता है कि एफ इंटू एक्स करके देखो, एक ट्रिक होती ना कि एरिया निकालना है तो वाई को और एक्स को मल्टीप्लाई करो एरिया के लिए, दिस इंटू दिस करके देखो, तो यार जब मैं एफ इंटू एक्स करता हूं तो हाँ यार थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि हाँ यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वर्क ही मिलेगा।
ठीक है. तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी, इसको देख लेना, रेफर दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये पॉजिटिव वर्क है, ये नेगेटिव वर्क है. अगर ये ग्राफ है तो दिख जाएगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. अभी प्रॉब्लम भी आपके सामने है. अब यहाँ पे ये देखो, ये फोर्स है न्यूटन और ये है एक्स इन मीटर्स. तो बेसिकली जो आपको वर्क आएगा जूल में आएगा, जूल में मतलब ऐसा ही में है, सब कुछ मस्त है. ये न्यूटन में, ये मीटर में, कभी कभी डिफरेंट भी होता है, कभी कभी ऐसे उलट भी देते हैं, ये एक्स हो जाता है, ये फोर्स हो जाता है. तो इन दैट केस मतलब डू द नीडफुल. अब यहाँ पे देखो, अ 5 kg ब्लॉक, अब ये गिवन है, अ 5 kg ब्लॉक मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अराउंड अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद पोजीशन. फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एज द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब फ्रॉम ओरिजिन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 8. मतलब तुम्हें यहां से लेकर यहां तक वर्क डन निकालना है, तो बस एरिया निकाल लो यार. अब देखो क्या है, एरिया निकालते हैं. ओके एवरीवन प्लीज सी. सो दिस इज 10 × 2, तो ये क्या हो गया, प्लस 20. ओके तो ये इसका आधा होगा, प्लस 10 होगा ये, है ना, क्योंकि ये भी वैसे ही था कुछ. तो 2 वैसे भी निकाल सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट. तो दिस विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 10 इनटू 2, 4 माइनस 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 2. तो ये 2 होगा और ये 10 होगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट क्या होगा, 10. ठीक है, ये 0 है, ये नेगेटिव होगा. देखो ये 2 है, ध्यान से देखो, दिस इज 2 एंड दिस इज 5. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज नेगेटिव एरिया. नेगेटिव एरिया तो उसको नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करो. तो ये हो जाएगा माइनस 5. So what is the work done? Work done will be plus 20, plus 10, minus 5. So this will be 25 joules. Clear? 25 joules will be the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Okay, बहुत simple सवाल था. Okay, now let's have a look at this. अब यार यहाँ पे क्या है? Force exerted on an object, okay, is a function like this. F is equals to F naught. As a function of x दे रखा है. Find the work done in moving the object from x is equals to 0 से 3x naught, ठीक है, by plotting, now this is an important thing which is given to you, by plotting the fx curve. अब इसको तुम्हें वैसे नहीं करना है, अब ये थोड़ा subjectively इसको लो, तुम्हें plot करना है graph को, ठीक है, तो plot करते हैं, plot करना ज़्यादा अच्छा लगता है. अब इसने तुम्हें hint पहले ही दे दी कि plot करके कर लो, आसान होगा. वैसे अगर वैसे नहीं होता तो कैसे करते है? अब अगर मैं तुम्हें ऐसे दे देता, मान के चलो f is equals to, ये कॉन्स्टेंट ही होगा ना, मान के चलो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2x minus 1. ओके तो अब तुम्हें, हाँ फिर तो क्या ही है, एफ डी एक्स करके मतलब इंटीग्रेट कर देते तुम, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है. तो वैसे भी कर सकते हो तुम इसको इंटीग्रेट, क्योंकि एफ नॉट, एक्स नॉट और ये सब तो कॉन्स्टेंट ही है. ओके चलो इसको करते हैं, एवरीवन प्लीज ट्राई टू डू दिस. तो इसको कैसे किया जाए, तो अब इसको प्लॉट करते हैं. सो दिस इज एक्स, दिस इज एफ, ठीक है, और हमें क्या पता है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं बच्चों, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं. तो ये लिखेंगे f is equals to f naught x naught, y is equals to mx plus c वाला फॉर्मेट याद करो, ठीक है, बहुत बढ़िया. ये y is equals to mx plus c कुछ याद आ रहा है, देखो y is equals to mx plus c, y इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है, y इंटरसेप्ट है नेगेटिव. क्या है वो y इंटरसेप्ट, वो है माइनस f naught, कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब x is equals to 0 पे ये माइनस f नॉट है. तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 0 कॉमा माइनस f नॉट, ये वो है, ये f नॉट के बराबर है, ठीक है, f नॉट के बराबर है, ये ओरिजिन है 0, 0, बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ से तो लाइन पास कर रही है, इट्स अ लीनियर कर्व. अब यार ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्लोप क्या है, इसकी पॉजिटिव स्लोप है मेरे बच्चों, पॉजिटिव स्लोप है, और स्लोप क्या है, स्लोप है f नॉट बाय x नॉट, ठीक है. अब यार ये तो दिख ही रहा है यार, ये f नॉट है. ओके तो ये x नॉट होगा ना, ऐसा ऐसी कुछ पॉजिटिव स्लोप होगी इसकी, कुछ तो पॉजिटिव स्लोप होगी. ये जो tan थीटा है, tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए, tan थीटा शुड बी इक्वल टू f नॉट बाय x नॉट. तो यार ये f नॉट है तो ये x नॉट होगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम, ठीक है, tan थीटा इज f नॉट बाय x नॉट, पॉजिटिव में सब कुछ मजा आ रहा है, दिख भी रहा है पॉजिटिव स्लोप है. तो चलो मार्क करते रहते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मिलती रहे. तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे बच्चों, ये होगा x नॉट कॉमा 0, x नॉट कॉमा 0. अब ये लीनियर कर्व है, अब अगर यहाँ पे f नॉट है तो 2x नॉट पे भी, ध्यान से देखो, अगर ये x नॉट है और ये क्या होगा 2x नॉट कॉमा 0, ठीक है, 2x नॉट कॉमा 0. तो यार अगर आप यहां से देखोगे तो ये मिरर इमेज होगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एरिया, तो ये पॉजिटिव एरिया है. अगर ये f नॉट है तो ये माइनस f नॉट आएगा. वैसे निकाल सकते हो तुम, अब तुम निकाल सकते हो, 2x नॉट डाल के देख लो, वहां पे 2x नॉट डाल के देख लो, पता चल जाएगा ये f नॉट ही आएगा, ठीक है, पता चल जाएगा ये f नॉट ही आ जाएगा तुम्हारा, ये f नॉट आ गया. अब उसके बाद तुम्हें निकालना है 3x नॉट तक ना, तो थोड़ा सा इसको और
इलॉन्गेट कर दो, हमने थोड़ा सा ना ज्यादा स्पेस खाली थी, कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना, तो उसको ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया। और अब हम थोड़ा सा कलरफुल पेन यूज करते हैं, तो ये वाला वो पॉइंट है, मान के चलो ये वो पॉइंट है विच इज 3x0, ठीक है, 3x0, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहाँ पे वैसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि यार अगर ये एफ नॉट था, टक 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 टक, ये एक्स नॉट था, ये एक्स नॉट, तो ये जितना है उतना ही ये होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना, ये एफ नॉट है तो ये 2f0 ही आएगा, देख के ही पता चल गया। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे 3x0 इस पे डाल दो, है ना, आपका f आ जाएगा 2f0, मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप कैसे करना चाहते हो। तो यार अब क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन, ओके, अब ये वर्क डन निकालना है, यहां से लेकर यहां तक वर्क डन निकालना है। अब ग्राफ तुमने ड्रॉ कर दिया है, ओके, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एरिया से सॉल्व करना है इसको, है ना, वर्क डन, तुम्हें ग्राफिकली बोला था, तो चलो निकालो। वर्क फ्रॉम 0 to 3x0 विल बी दिस नेगेटिव एरिया प्लस दिस पॉजिटिव एरिया, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, -1/2 f0 into x0, ठीक है, -1/2 base into height, तो ये आ गया माइनस, ये चीज। अब इसका एरिया क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो इसका एरिया क्या होगा, अब तुमने इसको x को 2x से बढ़ा दिया, इसको डबल कर दिया, ध्यान से देखो इसको डबल कर दिया, तो बेसिकली 4 times हो जाएगा ना, मतलब अगर एक स्क्वायर को 1, 1, 1 को 2, 2 करते हैं तो एरिया स्क्वायर में डबल होता है, ठीक है, तो यार इसका अगर ये है तो ये इसका 4 times होना चाहिए, 4 times, तो 4 times, तो उससे मुझे यार ये दिख रहा है वैसे तो आंसर, है ना, 3 times, क्योंकि वो हो जाएगा कुछ, समझ गया ना मेरी बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो चलो कोई नहीं, वैसे इसको निकालते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, ये पॉजिटिव एरिया क्या होगा, ये नेगेटिव एरिया क्या होगा, अब जल्दी से ये वाला एरिया निकालते हैं, पॉजिटिव वाला भी, तो ये क्या होगा, 1/2 into base क्या है, 2x0, into height क्या है, 2f0, तो ये भी ऐड कर दो, प्लस ये क्या चीज है, 2, 2, तो 2f0x0 आ गया, प्लस 2f0x0, तो 2 - 0.5 है, तो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 f0x0, दिख गया ना, 3/2, 1.5 f0x0, बड़ा ही सिंपल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व था। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आई थिंक 400 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने टारगेट किया था 500 का, तो जल्दी से अगर आपने लाइक का बटन की धज्जिया नहीं उड़ाई है तो धज्जिया उड़ा दीजिए अभी के अभी, ओके, इट विल रियली इनकरेज आवर एंटायर टीम ऑफ जेई लाइव डेली। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। आगे बढ़ो एवरीवन, प्लीज नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। अब इसमें तो आपको मजा आ ही जाएगा क्योंकि एक ऐसा इलस्ट्रेशन लिया है जिससे आपके पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा दिमाग में। सो एवरीवन अंडरस्टैंड कि वर्क डन, अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे एक बीड है वो यहां से यहां मूव कर रही है, इस ये मेटल फ्रेम है, तो यार एक फोर्स तो मैं हमेशा ऐसे लगा रहा हूँ, एक फोर्स इज ऑलवेज एज अ टेंजेंट, जैसे एफ टू एज अ टेंजेंट है और एक फोर्स इसको पॉइंट कर रहा है हमेशा, तो अब मुझे वर्क डन में मल्टीपल फोर्सेज निकालना है, तो वर्क इंडिविजुअल निकाल लो ना, इसका वर्क डन निकाल लो, जब मैं इसको यहां से यहां ले जाता हूं तो इसका वर्क डन निकाल लो, इसका वर्क डन निकाल लो, इसका वर्क डन निकाल लो, इंडिविजुअली सारे वर्क डन को ऐड कर लो, है ना। अब अगर तुम्हारे बहुत सारे फोर्सेस हैं, या तो तुम रिजल्टेंट निकाल लो, एफ नेट निकाल ही लो, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो और उसको देख के निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, या इंडिविजुअली निकाल लो, है ना, समझ गए ना मेरी बात, या आप इंडिविजुअली निकाल लो क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट तो dr ही है ना, dr ही है। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इसका dr है, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट देख लो, इसका देख लो, इसको, तो सबका छोटा छोटा वर्क आ जाएगा, सबका छोटा छोटा वर्क आ जाएगा, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें पूरा वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि dw इज इक्वल्स टू dw1 वर्क डन इन अ छोटा सा इंटरवल ऑफ अ वेरिंग फोर्स, dw2 प्लस dw3 ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर इंटीग्रेट कर दोगे तुम इस चीज को, है ना। तो ये dw1 क्या होगा, f1 into dr, समथिंग लाइक दैट, और ds, तो दैट्स द मेन जिस्ट ऑफ इट, कि आप अलग अलग फोर्सेस का इंडिविजुअली वर्क डन निकालो और कर लो, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद एक बहुत धासु प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग, ओ मेक अ नोट, अंग्रेजी में फंसा रहे तुम्हें, स्टार्ट्स मूविंग मतलब इनिशियली रेस्ट पे थी, ओके, मतलब ये क्या u0 था, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज लाइक दिस, ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ पे वेलोसिटी का भी रिलेशन दे रखा है, v इज इक्वल टू अल्फा s रेज टू द पावर 1/2, वेर अल्फा इज अ कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, s is the distance covered, okay, बहुत बढ़िया। Find the total work done by all the forces acting on the locomotive in the first t seconds, ठीक है? So you have to find the work done by the forces acting.
अब फोर्स से तो एक्सेलरेशन है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई, ठीक है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई. लेट्स फाइंड द नेट एक्सेलरेशन, विल फाइंड द नेट फोर्स, क्योंकि मास एम गिवन है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यार वेलोसिटी गिवन है, काइनेमैटिक्स से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन फोर्स आर भाई भाई, चलो कोई बात नहीं. अब वी और एस गिवन है, तो यार एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज वी डीवी बाई डी एस, यही तो होता है, डीवी बाई डी एस, और वी वी मेरे पास है, डीवी बाई डी एस भी निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है. चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डीवी बाई डी एस विल बी हाउ मच, विल बी हाउ मच, तो ये अल्फा आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये क्या आएगा, हाफ एस रेस टू द पावर माइनस हाफ. क्लियर? अब देखो बच्चों, ये वी है, ये डीवी बाई डी एस है, ओके, इन दोनों को यहाँ पे फिट कर दो, एन एक्सेलरेशन ले आओ, ठीक है, गेट द एक्सेलरेशन. देखो कुछ लर्निंग आती है क्या बच्चों, कुछ लर्निंग आती है कि, तो यहां से a इज इक्वल्स टू क्या आया, लिखोगे अल्फा इनटू s, ओके, इनटू हाफ अल्फा s रेस टू द पावर माइनस हाफ. बहुत बढ़िया यार, ये तो s की पावर जीरो हो गया, तो a क्या आ गया तुम्हारा, a आ गया हाफ अल्फा स्क्वायर. ओ माय गॉड, दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं. तो यार तुम्हारा ये आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये आ गया, ये कांस्टेंट है, because alpha is a constant, तो acceleration is a constant, तो displacement तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि half at square से, क्योंकि display ये आ गया, तो force क्या होगा, constant force निकाल लो, F is equals to ma, तो force क्या हो गया, half m alpha square, oh my god, force भी आ गया. अब यार work done के लिए मुझे force चाहिए और displacement चाहिए, ठीक है, work done is force, सब कुछ straight line में हो रहा है ना, समझ में आ गया. तो यार फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो मेरे पास है, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम कितना है टी सेकंड्स, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बस दैट्स इट. अब एस को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो कलर चेंज करेंगे, ओके, लेट्स पुट अ डिफरेंट कलर, तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यू टी वो सब कुछ ऐसे हो गया, तो यहाँ पे जल्दी से यूज कर लो इसको, क्या आएगा, S is equals to 1 by 4 alpha square t square, ठीक है, ये आ गया, work done is this into this, बस multiply कर दो, answer आ जाएगा, ठीक है, तो when you multiply this, you'll get 1 by 8, okay, 1 by 8, m, alpha की power 4, t की power 2, तो ये आपका work done आ गया, कितना simply आ गया, ठीक है, बहुत ही beautiful problem था, आगे बढ़ते हैं, I hope you all loved it, ठीक है, अच्छा लगा तो भाई like का button ठोक दो, everyone, ठीक है, और मोहल्ले में हल्ला करना जरूरी है, अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करो विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, विद द हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, विद द हैशटैग कि क्वालिटी एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ये रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, हम चारों ने, और अब आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हो, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी, बहुत जल्दी आई थिंक 2.81 लाख चल रहा है, 2.83 लाख चल रहा है, और आई थिंक इन 2-3 डेज 3 लाख हो जाएगा बहुत जल्दी. चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. Everyone now, okay, अब ये question करते हैं, अब ये सबसे धासु question है. Okay, अब यहाँ पे क्या given है, अब ध्यान से सुनना. यहाँ पे तीन different forces हैं, और सबका magnitude क्या है, F. सबका magnitude F है. सारे F है. एक F force हमेशा ऐसे लग रहा है. Okay, जब तुम ऐसे जा रहे हो, तो हमेशा वो F ऐसे, 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 ऐसे लग रहा है. F, 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 F. ये जो F1 है ना, it's always acting like this, this, this. समझ रहे हैं? जैसे gravity. Gravity हमेशा ऐसे, ऐसे, ऐसे लगती है. तो तुम MGH, work done by gravity will be how much? यहाँ से यहाँ है तो MGH, यहाँ से यहाँ भी आए तो MGH, H, मतलब displacement along the force, displacement along the force, देखते हो ना वैसे? तो वही फंडे हम यहाँ पे use करने वाले हैं, ठीक है, वही फंडे हम use करने वाले हैं. तो भाई हम क्या करेंगे सबसे पहले? तो हम बोलेंगे कि work done will be W1 plus W2 plus W3, ठीक है? Work done by all the three forces, W1, W2, W3, ठीक है? अब यार work done by F1 कितना होगा? अब ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय एफ वन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वन, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वन डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, एस वन कितना है, आर के बराबर है. एफ वन के डायरेक्शन में देखो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एफ वन के डायरेक्शन में, तो कितना हुआ एफ आर, तो वर्क डन बाय दिस विल बी एफ इंटू आर, एफ एफ वन इंटू आर विच विल बी एफ आर, ठीक है, विल बी एफ आर, ये समझ में आ गया. डब्ल्यू टू की बात करते हैं अब हम. W2 हमेशा टेंजेंट है बच्चों, इट इज ऑलवेज अ टेंजेंट, इट इज ऑलवेज अ टेंजेंट लाइक दिस. अगर मतलब अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो ऐसे 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 लगेगा. तो भाई अगर आप देखोगे ये फोर्स हमेशा टेंजेंट है, इसको मैं सीधा कर दूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये बेसिकली 1/4 ऑफ द पेरीमीटर हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया. तो वर्क डन बाय 2 विल बी एफ इनटू 2 पाई आर बाय 4,
ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ इंटू पाए एफ आर इंटू पाए बाई टू, एफ आर इंटू पाई बाई टू। अब ये कैसे बताया मैं फिर से बताता हूँ, ये एफ टू वाले के लिए फिर से गौर फरमाइए एवरीवन। तो एवरीवन अगर ये गोला है, ठीक है, अगर ये गोला है और इस गोले में अगर मैं बोलूं कि यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही है ना, तो यार मैं क्या बोलूंगा, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू टू विल बी, अगर इतने से किले बीच में कहीं पे अगर मैंने इतने से किले निकाला तो ये क्या आएगा, एफ इंटू डी एस कॉस जीरो, मतलब हमेशा ये जीरो डिग्रीज पे है, तो एफ डी एस लिख दूंगा मैं इसको, बहुत सिंपल है। फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एफ तो कॉन्स्टेंट है तो डी डब्ल्यू टू विल बी एफ इंटू इंटीग्रल डी एस। अब डी एस में ऐड क्या क्या हो रहा है, अब देखो बच्चों डी एस में ऐड क्या क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो, ये डी एस ऐड होता रहेगा, डी एस, डी एस क्या है, क्वार्टर पेरीमीटर ही तो है डी एस, डी एस प्लस डी एस, डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस डी एस थ्री प्लस डी एस थ्री विल बी हाउ मच, टू पाई आर बाय फोर, ठीक है, क्लियर। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। अब आता है एफ थ्री। अब बहुत सारे बच्चे इसमें एक ट्रिक लगा देते हैं, वो बोलते हैं कि यार मतलब जनरली ऐसा ऐसा होता है कोइंसिडेंटली कि अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, ये टू आर रूट टू आर के बराबर है ना, अगर आप ये देखो ये आता है रूट टू आर के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बोलता कि फोर्स इज ऑलवेज ऑलवेज इन द डायरेक्शन पैरेलल, मतलब फोर्स वेक्टर, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया है तो ध्यान से देखो, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस डॉटेड लाइन, ओके, अगर यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, हमेशा पैरेलल है, तो आप उस केस में लिख सकते हो एफ इंटू रूट टू आर, एफ इंटू रूट टू आर, तो वर्क डन। अब ये देखो उस केस में वर्क डन आता एफ इंटू रूट टू आर, और आप डायरेक्टली इसको टिक कर देते है ना, एफ आर इंटू रूट टू ना, तो आप इसको डायरेक्टली टिक कर देते बी ऑप्शन को। बट ये नहीं है, बट ये एक कोइंसिडेंस है, दिस इज अ कोइंसिडेंस, क्योंकि यहां पे कुछ और गिवन है, यहां पे गिवन है कि अगर ये पार्टिकल यहां है तो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स बी, बी पॉइंट को पॉइंट करता हुआ है फोर्स हमेशा, मतलब अगर यहां पे तो ऐसे होगा, फोर्स चेंजिंग है यहां पे, समझ रहे हो ना, फोर्स चेंजिंग है, जैसे ये वाला फोर्स भी चेंजिंग था, बट ये जो एफ थ्री है ना ये थोड़ा अड़ियल है, ये बी को देख रहा है, ताड़ रहा है बी को, अगर मैं यहां पे हूं तो बी पे ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, तो इन दैट केस आप वर्क डन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक थोड़ा लंबा टेक्निक होता है इसको निकालने का। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि देखो बच्चों ये कुछ एडवांस इलस्ट्रेशंस लेना जरूरी होता है, नहीं तो आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से, तो ये अगेन दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क डन विच वी कैन डू टुडे, तो आज इसको करते हैं। अभी बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो, कि अगर मुझे यहां से यहां तक वर्क डन निकालना है जहां पे एफ थ्री का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू एफ, ठीक है, इसको करते हैं। तो बच्चों प्लीज सी दिस, तो अगर मैं इस पे ऐसे डॉटेड लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखो, तो ये डॉटेड लाइन बना दी मैंने, ओके, अब मुझे ये आर्बिट्री पोजीशन जो है ये थीटा पे है, ये आर्बिट्री पोजीशन थीटा पे है, ध्यान से सुनना, ये आर्बिट्री पोजीशन थीटा पे है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए, जो छोटा सा डीएस है मेरा बच्चो, यहां पे देखो बच्चों, ये छोटा सा डीएस है वो यहां पे एफ थ्री ऐसे लग रहा है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री भी है यहां पे, अगर ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है, ये आर है तो ये भी आर है, क्लियर, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है, आर आर हो गया, तो यार अब ये आर है तो अब ये क्या होगा, एवरीवन प्लीज सी, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये ट्राइंगल में ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो यार ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना, और ये क्या होगा, अब F3, everyone please see, F3 और DS के बीच में अगर ये F3 है और ये DS है, ठीक है, ये F3 है तो ये क्या होगा, ठीक है, ये है अल्फा तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा, तो ये जो छोटा सा वर्क डन है ध्यान से देखो, तो मैं यहां पे लिखूंगा डी डब्ल्यू थ्री इज इक्वल्स टू यहां से लेकर यहां तक, जब ये पार्टिकल टक 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 यहां से यहां तक मूव करता है, ये जो छोटा सा एंगल है बहुत छोटा, इसको मैं बोल रहा हूं डी थीटा, इस छोटे से एंगल को मैं बोल रहा हूं डी थीटा, ओके, इस फिगर को ध्यान से देखना है। तो यार अब ये क्या होगा, ये होगा एफ थ्री डॉट डी एस के बराबर, डॉट डी एस, अब मुझे ये भी पता है कि डी एस इज आर डी थीटा, समझ में आ गया, अब क्योंकि मुझे एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, तो मुझे ये भी पता है, ध्यान से देखो, ये एक और फिगर है कि जब ये डीएस मूव कर रहा है यहाँ पे और ये आर है और ये डी थीटा है,
तो मुझे ये भी पता चल गया कि ds is equals to rd theta, इसको बाद में यूज करेंगे करेंगे कभी ना कभी. अब पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों. फर्स्ट लेट्स डू द डॉट प्रोडक्ट. तो यार अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो इस ट्राइंगल में, अब मैं इस ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ठीक है, इसको यहां पे पहुंचना है पार्टिकल को. इस ट्राइंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो यार ये एक रिलेशन तो जल्दी से निकाल लो, क्या होगा अल्फा की वैल्यू, क्या होगी अल्फा, 2 अल्फा प्लस 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, तो उसको ये वहां पे फेंको और अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा विल बी 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय 2. ठीक है, यही होगा, यही होगा ना, 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय 2, बिकॉज हाँ देखो देखो 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय 2, तो 45 90 180 हो गया प्लस, हाँ सही है, बेसिकली ये सही है इसका. तो यार अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये F3 है और ये DS है, ठीक है, इनके बीच में एंगल है कितना बच्चों, 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज माइनस अल्फा है, डोंट गेट ओवरवेल्म, बहुत सिंपल है. ठीक है, अब ये चीज कैसे करेंगे, अब यहां पे देखो, अब मैं लिखूंगा DW3 इज इक्वल्स टू इनका डॉट प्रोडक्ट, F3 है F के बराबर और ये DS है DS के बराबर, और यहां पे आ जाएगा cos थीटा, जो इनके बीच में एंगल है, cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस अल्फा. ओके, ये आ गया. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये क्या होता है, ये होता है साइन अल्फा. ठीक है, इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा एफ, और ds को rd थीटा भी लिख दो साथ साथ, है ना, लगे हाथ rd थीटा भी लिख दो. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा. एफ आर डी थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और साइन अल्फा की जगह वो लिख दो एफ आर, साइन अल्फा विल बी साइन ऑफ 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय 2 इनटू डी थीटा, बस खत्म. ओके, अब आप आराम से कर सकते हो, बस खत्म. अब इंटीग्रेशन है, अब मैथ्स है, अब यहाँ पे मैथ्स है. ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट कहां से करना है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे क्या था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज था, और ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है, समझ गए ना, ये थीटा को इंटीग्रेट करना था 0 से 90 डिग्री सारे डी थीटा पे, है ना. तो यार अब ये वर्क डन वैसे आएगा. ठीक है, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बच्चों, यहां से इसको ऐसे ऐसे इंटीग्रेट किया, और जब मैंने इसको ऐसे इंटीग्रेट किया तो यहां पे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू थ्री, और लिमिट्स ऑफ थीटा क्या होगी, लिमिट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो यार डब्ल्यू थ्री विल बी इक्वल टू एफ आर, क्लियर, एफ आर. और अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस. ठीक है, तो चलो, बट एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, तो एकदम से नहीं कर सकते, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. ये ट्रिक होती है, मैं वैसे बता दूंगा अलग से, है ना, इसको आप वैसे कर लेना, मतलब ये मैथ्स में आप करोगे बहुत सारी चीजें. इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, ध्यान से देखो, माइनस कॉस 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय 2, ओके, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसका होगा माइनस हाफ, सॉरी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हाफ आएगा. तो बेसिकली इसकी वैल्यू ही आएगी, अभी कैसे आती है वो बाद में बता दूंगा. ये 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज, लिमिट्स, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स आपको डालनी पड़ेंगी. अब चलो इसको करते हैं सॉल्व यार, है ना, किस चीज का वेट कर रहे हैं. तो यार अब एवरीवन प्लीज सी दिस, तो जब आप इसकी वैल्यूज डालोगे तो ये क्या आ रहा है, माइनस 2 एफ आर, है ना, माइनस 2 एफ आर इंटू ये क्या होगा, कॉस ऑफ 0 से 90 करना ना, चलो इसको डालो, तो मैं थीटा को पहले 90 डिग्रीज डालता हूँ, तो 90 डिग्रीज, तो ये कॉस 90 हो जाएगा, पहला वाला तो कॉस 90 हो जाएगा, जब 90 डालूंगा ना तो कॉस 90 हो जाएगा, विच इज 0. ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव ऑफ इसको 0 डालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 45 आ जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा. ओके, तो 1/√2 ये आ जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, √2 एफ आर आ जाएगा, क्लियर, यही तो आया था. तो ये ऐसे सॉल्व होता है. ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट था इसको मैं फिर से करके बताता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, कि ये कैसे आया, है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज नहीं बताई थी, बट अब बता देता हूँ एवरीवन, क्योंकि मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया था, यहाँ पे एक डिफरेंट केस आता है.
अब मैं इसी इंटीग्रल को करूंगा साइन 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाई टू. आज मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा बच्चों, आई विल टेक 5-6 मिनट्स मोर. अब ध्यान से देखो, तो इसको करते हैं, क्या था वो इंटीग्रल, इंटीग्रल था रुको क्या था, साइन 45 प्लस थीटा बाई टू, 45 प्लस थीटा बाई टू याद रखना, 45 प्लस थीटा बाई टू, 45 प्लस थीटा बाई टू है ना, 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय टू डी थीटा, ये था ना. तो यार इसको करना है, अब ये सब कुछ ना उसमें कर लो, मतलब यू कैन डू इट इन रेडियन, वैसे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनो. तो ये 0 से पाई बाय टू 90 डिग्रीज, और 45 डिग्रीज को भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, पाई बाय फोर, ठीक है, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, ठीक है. इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो यार इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, साइन को कर दो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज वन. अदरवाइज तुम इसको टी ले सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू एस टी, ठीक है. तो आपका इंटीग्रल थोड़ा सुंदर हो जाएगा, ठीक है, सुंदर मतलब कैसे सुंदर, समझो इस चीज को. तो ये हो जाएगा, देखो ये साइन टी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी. और अब इस डी डी थीटा को की जगह क्या आना चाहिए वो बताऊंगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू डी टी. आ गया ना. तो अब तुम ये टू को वहां ले जाओगे, समझे ना, ये जो टू है क्योंकि तुम्हें डी थीटा को भी रिप्लेस करना है डी टी से, है ना. तो तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा जीरो प्लस डी थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू डी टी, है ना. अब ये d थीटा की जगह तुम लिखोगे 2dt, ठीक है. तो तुमने 2dt यहां पे लिख दिया, लिख दिया ना, तो ये dt ले लिया यहां पे, इसको 2 ले लिया, ठीक है. ये तुम्हारा अब ये सॉल्वेबल लग रहा है. बट यहां पे एक और चीज करनी पड़ती है, ये लिमिट्स थी बच्चों थीटा की, ठीक है, ये लिमिट्स थी थीटा की, यहां पे तुम्हें लिमिट्स डालनी पड़ेंगी t की, ठीक है. अब देखो t इज इक्वल्स टू जब थीटा 0 था तो t क्या है, यहां से देखो, जब थीटा जीरो था तो टी कितना था, पाई बाय फोर, है ना, पाई बाय फोर. जब टी, अरे टी कहाँ है, हाँ, जब थीटा पाई बाय टू था, है ना, पाई बाय टू, तो इसको पाई बाय टू यहां रखो तो पाई बाय फोर हो जाएगा, तो पाई बाय टू, तो टी पाई बाय टू हो गया, बस खत्म. अब इसको तो बच्चा भी कर सकता है ना, नाउ यू कैन डू दिस. अब आप साइन टी को लिखोगे, माइनस कॉस टी लिमिट्स डालोगे, मस्त रहोगे, ठीक है, हो जाएगा ना. चलो, तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था मैं. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एंड एंजॉयड. बस इसका ये ट्रिक भी समझ लो, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मैच में तो डायरेक्टली करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, सो एवरीवन, नाउ वी विल सी व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है. इसकी थोड़ी जिस्ट ले लेते हैं, फिर अगली क्लास से इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो यार अब समझो इस चीज की, ये चीज समझो कि यार कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. अब इसको फील कैसे करें, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को सिंपली ऐसे समझो कि चीजें कंजर्वड रहती हैं यहाँ पे. ओके, जैसे एमजी है, अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, एमजी नॉर्मल, ये सब लग रहा है, एमजी और नॉर्मल का गेम प्ले है ये पूरा, है ना, एमजी हमेशा से लग रहा है. और देखो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वड है, टोटल एनर्जी कंजर्वड है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, एमजीएच, खाली एमजीएच है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है खाली, सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है जो एमजीएच के बराबर ही है, हमेशा एनर्जी एमजीएच ही रहेगी, इन दोनों का सम देख रहे हो ना, हमेशा ये इक्वल रहेगा, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्वड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं और ये कंजर्वेटिव फील्ड में है. अब कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं और कौन से नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, अब तुम्हें ये भी बताया था कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है. अब जैसे अगर रगड़ाई हो गई, अब देखो अगर रगड़ाई हो गई तो भाई कुछ एनर्जी लूज हो गई ना, कंजर्व नहीं रही, लूज हो गई, आवाज हो गई, हीट डिसिपेट हो गई, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता है. तो उसको पहले फील तो ऐसे करो कि कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है. नेवर रेटोफाई थिंग्स की कंजर्वेटिव की ये तीन डेफिनेशन होती है. समझो कि कंजर्वेटिव हो रहे वो फोर्सेस होते हैं जहां पे चीजें कंजर्वड रहती है. थोड़ी पिक्चर बनाओ माइंड में तभी मजा आएगा. ओके, और नॉन कंजर्वेटिव तो सिंपल है, फ्रिक्शन को याद करो. ओके, विस्कस फोर्स को याद करो, मतलब वो सब पढ़ेंगे फ्लूइड्स में, वो बहुत मजा आएगा उस टाइम पे. ठीक है, अब ये देखो, तो पहला स्टेटमेंट क्या है. अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के बहुत तरीके होते हैं, मुझे जनरली पसंद नहीं है, वैसे समझ लो जैसे मैंने बताया था. फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर. ओके, a force is said to be conservative in nature if the work done by the force is path independent. मतलब अगर अब जैसे कि अब मैंने अब समझो इस चीज को मैंने step मतलब यहाँ से यहाँ h h height पे लेके गया, तो work done by mg work done by gravity क्या होगा, minus mgh. अब अगर मैं step से लेके गया mgh1 minus mgh2 minus mgh3 minus mgh4 और उसी height तक पहुँच गया,
तो H1 plus H2, H, मतलब basically work done by mg force is always path independent ना. अब अगर मैं इस चीज को ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं या ऐसे करके ऐसे डिस्को डांस करके ले जाऊं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम रहेगा. ठीक है, अब जैसे ऐसे करके ऐसे ले आया, सेम पॉइंट पे ले आया, जीरो हो गया वर्क डन, क्योंकि समझे ना डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है. तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, समझो इस चीज को, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट है. ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. सो इफ द वर्क, इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, स्टेटमेंट सेज कि यार एक कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तो वर्क डन इन दिस पाथ अलोंग दिस पाथ अलोंग दिस पाथ अलोंग अलोंग दिस पाथ विल बी सेम. दूसरी चीज, फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर व्हेन द वर्क डन बाय द व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो. समझ गए ना, वर्क डन बाय अ इन अ क्लोज्ड लूप, जैसे mg में हमेशा ग्रेविटी का एग्जांपल ले लो, कंजर्वेटिव में ग्रेविटी का एक एग्जांपल लोगे तो हमेशा. वेक्टर्स भी हमने एग्जांपल से ही पढ़ा था, हमने वेक्टर्स पढ़ा कहा था, हमने पूरा वेक्टर्स किया था, वेक्टर्स को मास्टर भी किया था. अब क्वेश्चन दे दो, अब इंपॉर्टेंट यही है, विजुलाइज नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे. तो इंपॉर्टेंट ये देखो mg, अब देखो यहां से यहां पहुंच गए, वर्क डन क्या है ना, लूप जीरो है ना, जीरो. यहां तक कितना था, माइनस mgh, नीचे आया प्लस mgh, खत्म. ओके, वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो. तो वर्क डन समझ गया ना, मतलब बेसिकली कंजर्वेटिव इन नेचर. अब आगे बढ़ते हैं, अब ये समझाऊंगा ये सारी चीजें, डोंट वरी, है ना. अब ये देखो स्टेटमेंट थ्री, अ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर व्हेन द लाइन इंटीग्रल, मतलब बेसिकली वही सजा सजा के वही चीज बोल रहे हैं एक तरीके से. लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएल, मतलब ये लाइन इंटीग्रल है एफ डॉट डीएल, मतलब हर टाइम पे ये जो डीएल है ना अलोंग दिस पाथ, अरे कहां गया वो, हाँ अलोंग दिस पाथ, एवरीवन प्लीज सी, तो यहां पे ये डीएल होगा और कुछ फोर्स होगा, तो एफ डॉट डीएल हमेशा लाइन इंटीग्रल इसका जीरो होगा. ठीक है, सॉरी मतलब लाइन इंटीग्रल अलोंग डिफरेंट पाथ, तो यहाँ अलोंग दिस पाथ एफ डॉट डीएल जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे फोर्स के साथ, वो अलोंग दिस पाथ अलोंग दिस पाथ अलोंग दिस पाथ सेम होगा इंटीग्रल. तो ये क्या है, वर्क डन ही तो हो गया ना, ये भी तो वर्क डन है. ठीक है, एफ डॉट डीएल कर रहे हो तुम हर जगह, तुम वर्क निकाल ही रहे हो एक तरीके से, है ना. तो ये बेसिकली वर्क डन इन ऑल द थ्री पार्ट्स विल बी जीरो, मतलब विल बी सेम फ्रॉम ए टू बी, और लाइन इंटीग्रल अलोंग अ लूप विल बी जीरो. अगर मैं यहां से एफ डॉट डीएल करता रहा तो वो जीरो आएगा. क्लियर है, तो ये भी तो नेटवर्क डन ही हो गया ना एक तरीके से. So this is how you define a conservative force, but how do you feel a conservative force? वो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो जो skater था. Now let's try to see some examples of conservative forces. अब कुछ examples ये हैं, जैसे कि spring force is a conservative force, है ना? ये gravity, force of gravity is a conservative force, है ना? But इसको समझाने का थोड़ा stylish तरीका होता है. Gravity क्या है? ये earth है और ये एक छोटा सा mass है. वो एक mass है. उन दोनों के बीच में यही तो force होता है, gm1 m2 upon r square. But mass of earth is so big. तो बेसिकली अब ये नीचे क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये मास बहुत ज्यादा है अर्थ का, इसलिए ये कंसिडरेबल गिरा. ऐसे भी तो मेरी तरफ भी तो गिर सकता था, अगर अर्थ नहीं होता तो मेरी तरफ गिरता है ना, दो मास अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया. तो अब समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली ड्यू टू अर्थ बट इन जनरल, ओके जनरल इज गिवन लाइक दिस, मतलब ये ऐसे सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, दे एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ईच अदर. तो ये जो फोर्सेज होते हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, उसके अलावा इलास्टिक फोर्सेस, जैसे ये जो फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग का फोर्स होता है, जब ऐसे किया तो ऐसे लग रहा है, जब ऐसे किया तो ऐसे लग रहा है, तो वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज आल्सो कंजर्वेटिव. ओके, इसमें अब अगर स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करते रहोगे ऐसे ऐसे होती रहेगी, है ना, वो स्केटर भी ऐसे ऐसे होता रहेगा, कंजर्व रहेगी चीजें. समझ में आ रही, थोड़ी बहुत फील आ रही है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये देखो चार्जेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अब ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस, है ना, KQ1 Q2 upon r square. तो ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. तो ये जो फोर्स है ना इनके बीच में, ये भी बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज आल्सो कंजर्वेटिव. ये जो मैग्नेट्स के, जो बहुत खेला है हमने मैग्नेट्स के साथ, मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं ऐसे, रिपेल करते हैं लाइक पोल्स, दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. अब इंपॉर्टेंट ये चीज समझने वाली है कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं. सेंट्रल फोर्सेज आर आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. तो अब सेंट्रल फोर्सेज क्या होते हैं इसको समझो. फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. अब देखो एक M1 है एक M2 है, तो दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है ना ये दोनों, दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी आल्सो. तो यार अब देखो ये सैटेलाइट है, अब ये सैटेलाइट चल तो ऐसे रही है बट अट्रैक्टेड ऐसे है ना, समझ लो ना, अट्रैक्टेड ऐसे इसके साथ, तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है. तो बेसिकली दीज आर सेंट्रल फोर्सेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर्स सेंटर्स. दो चार्जेस हैं वो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, KQ1 Q2 upon r square. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि दिस है ना, दिस इज, these are all conservative forces. Clear? These are always conservative forces. आगे बढ़ते हैं. Okay? Now let's move on.
non-conservative forces. Now, how to feel non-conservative forces? अब non-conservative forces में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने friction डाल दिया है. अब ये जो skater है, ये रुक गया क्योंकि ये सारी energy loss हो गई friction में. कुछ तो conserved नहीं था, है ना? कौन सा था वो फोर्स? फ्रिक्शन वाला फोर्स. तो घिसाई हो गई ना, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स. अब यार ये सबको पता है कि अब अगर ये डब्बा है, इस डब्बे पे मैंने ये यहां से यहां ऐसे कर दिया, रुक गया. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलता रहता, है ना? समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल में. अब ये देखो, ये यहां पे रुक जाता है ब्लॉक क्योंकि फ्रिक्शन है. तो बेसिकली फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, अब इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, और फिर एनर्जी पे नेक्स्ट में डीप डाइव करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. A force is said to be non-conservative if the work done by or against the force, okay, in moving a body depends upon the path. अब यार सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात. इस टेबल पे मैंने इसको ऐसे घसीट के यहाँ पे लेके गया, तो भाई फ्रिक्शन ने कुछ तो अपना नेगेटिव वर्क किया होगा ना. फ्रिक्शन क्या लग रहा है इसमें? अब देखो, फ्रिक्शन होता है μn, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो होगा μmg के बराबर, क्योंकि नॉर्मल इज इक्वल टू mg, है ना? तो म्यू mg लग रहा है फ्रिक्शन. तो भाई यहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन ये लग रहा है f, यहाँ पे भी f लग रहा है, यहाँ पे भी f लग रहा है, यहाँ पे भी f लग रहा है. अब a से b जब मैं जा रहा हूँ तो बहुत नेगेटिव वर्क कर दिया फ्रिक्शन ने. कितना नेगेटिव वर्क कर दिया? अब समझो, ये टेबल है, टॉप व्यू ऑफ दिस. ठीक है, अब अगर ये तुम्हारी बुक है, ठीक है, अब इस बुक को मैं यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ, ठीक है, और ये सर्कल फॉर्म में भी लाता हूँ, ठीक है, सर्कल फॉर्म में भी लाता हूँ. तो ये क्या होगा? 2R. तो भाई यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ. ओके, सो दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द फर्स्ट केस विल बी हाउ मच? इन द फर्स्ट केस विल बी माइनस म्यू एम जी इंटू 2R. ठीक है, माइनस म्यू एम जी, क्योंकि म्यू एम जी ऐसे से लगेगा, 2R डिस्टेंस ही हो गया. यहाँ पे कैसे लगेगा? अब यहाँ पे हमेशा, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन अपोज करेगा. डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा. ठीक है, ऑलवेज इट इज अपोजिंग. इसमें ज्यादा लग रहा है. अब देखो, अब अगर ये एक सेमी सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल ये सेमी सर्कल है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टू विल बी माइनस म्यू एम जी. हमेशा म्यू एम जी लग रहा है हमेशा, और कितना डिस्टेंस स्केल किया मैंने? पाई आर. ठीक है, पाई आर डिफरेंस आ गया ना इसमें, देखो 3.141 और ये 2. तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा घसीटा मैंने इसको. ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी हटी. तो फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज को समझो. अब जैसे मोबाइल है, अब इस मोबाइल को ध्यान से देखो, मैं ऐसे इतना किया मैंने, ओके, इतना मैंने यहाँ से यहाँ लेके गया, और प्लस में अब इसको ऐसे 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 करके यहाँ पे पहुंचा दिया. तो आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ एनर्जी हियर. बहुत ज्यादा साउंड और हीट जनरेट हुई, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी लॉस व्हिच टुक प्लेस. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस, जबकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इट इज पाथ डिपेंडेंट. समझ में आ रहा है ना? जहां पे चीजें लूज हो रही हैं, कंजर्वेटिव नहीं है, तो वो पाथ डिपेंडेंट हो जाती हैं चीजें, है ना, जनरली रिटार्डिंग चीजें, है ना. तो अब ये देखो, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर अलोंग. अब ये फील हो गया ना तुम्हें, ब्राउन पाथ पे ज्यादा फ्रिक्शन ने काम किया, है ना. तो वर्क डन इज ग्रेटर अलोंग दैट पाथ, ब्राउन पाथ, एंड ब्लू पाथ इट इज लेस. ठीक है, तो नेट वर्क, द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, अ फ्रिक्शन फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो. अब अगर मैं किसी चीज को घसीट के ऐसे ले आता हूं, तो बहुत सारी एनर्जी तो बीच में चली गई ना, डिसिपेट हो गई. तो यार वर्क डन कुछ था, नेगेटिव नहीं था. अब जैसे एमजी के केस में नेगेटिव होता है, मतलब सॉरी जीरो होता है राउंड ट्रिप पे, बट फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा. सिमिलरली एयर फ्रिक्शन के केस में भी ऐसा नहीं होगा. एयर फ्रिक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्रिक्शन. विस्कस फोर्स इज ऑल्सो लाइक फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड. तो इन सब में दीज आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेज. जैसे गाड़ी तुम्हारी बहुत तेज चल रही ना, तो एयर फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा. इसीलिए तो टॉप स्पीड आ जाती है कि यार तुम एक्सेलरेट तो करते जा रहे हो, फोर्स तो लगते जा रहा है, तो इनफाइनाइट स्पीड हो जानी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन तो बढ़ता जा रहा है. बट यार वेलोसिटी बढ़ती है ना, तो तुम्हारा एयर फ्रिक्शन भी बढ़ता है गाड़ी पे. और गाड़ी की जो शेप होती है वो डिसाइड करती है, गाड़ी की शेप डिसाइड करती है कि टॉप स्पीड क्या होगी. क्योंकि एक्सेलरेशन तो 1 भी होगा ना, 1 meters per second square, वो भी बढ़ाता ही रहेगा. फिर क्या होगा, क्या रोकता है? बॉडी की शेप. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो अब यार ये प्लीज गो थ्रू दिस, उसके बाद आई विल गिव यू अ ब्रेक, है ना. देन ऑब्वियसली जयंत सर की क्विज है इसके बाद बच्चों, जयंत सर की एक क्विज है. अब ध्यान से सुनना, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेज में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. यहाँ पे इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, कि भाई जो फ्रिक्शन को याद रखो. वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, फ्रिक्शन को याद करो.
वर्क डन इन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो. ग्रेविटी को याद करो, ठीक है. सेंट्रल इन नेचर जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. व्हेन ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स विद इन अ सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज. जैसे कि वो स्केटर में चेंज हो रही थी, है ना. दे कैन चेंज हाउएवर देयर सम नेट मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट चेंज. वो दिख रहा था हमें ना, नेट टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी. वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल. रिकवरेबल मतलब यार यहाँ पे वर्क डन हुआ ग्रेविटी का MGH, तो ऊपर जाके माइनस MGH हो गया, रिकवर कर लिया तुमने. अब फ्रिक्शन में तुम रिकवर नहीं कर सकते भाई, जो गर्म हो गया डिसिपेट हो गया, खत्म, ठीक है. कान में भी घुस गई, सुनाई भी दे गया, मतलब जैसे समझ गया ना मेरी बात. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ओके, अब एनर्जी की बात करते हैं बच्चों. एनर्जी पारसर की क्लास कर ले बच्चों. आज एक स्पेशल क्विज होगी, आज फिजिक्स डे है, ठीक है. मतलब फिजिक्स हमारे लिए फिजिक्स डे है. अब ध्यान से सुनो, अब एनर्जी वाला पार्ट हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है, कल करेंगे. एंड नाउ आई विल टेक योर लीव, एंड कल मैं आपको बताता हूँ. कल हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी विजुअलाइजेशन से. कल बहुत मजा आने वाला है. काइनेटिक एनर्जी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, सब कुछ करेंगे. थैंक यू सो मच. और बच्चों अब आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल. ओके, सो व्हाट इज द ड्रिल एक बार बता देता हूँ, ठीक है. रुको, अगेन ये तहस नहस कर देना इसको. इस पे आपको जितने भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगा देना इस पे, ठीक है, लाइक पे, कि ये डिसिपेट हो जाए. और शेयर जरूर करना. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप शेयर करो. एंड सब्सक्राइब, ये लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और ये घंटा बज जाना चाहिए. सो दिस विल नोटिफाई यू अबाउट द क्लासेस, तो ये ज्यादा जरूरी है. तो ये दोनों चीजें कर देना, नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. 578 टारगेट 500 का था, आई एम सो हैप्पी. और अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत जल्दी 1000 भी हो जाएगा बिफोर द डे एंड्स. चलो भाई बच्चों, आई एम नाउ टेकिंग अ लीव. नोट्स आप डाउनलोड के लिए वेट करना, हम थोड़ी देर में अपडेट करते हैं. और प्लस का भी लिंक नीचे है. ये परफेक्ट टाइम है बच्चों, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए. टेक द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो काफी सस्ता पड़ेगा. एंड अगेन वहां पे आप हमारी टीम के साथ इन अ मच बेटर वे, एक पर्सनलाइज्ड वे में डाउट्स पूछ सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हो. सो अगेन डोंट फॉरगेट टू एनरोल ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म. आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि 3800 बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल के द्वारा ऐड हो चुके हैं ऑन आर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म और हमारे साथ पढ़ रहे हैं. एंड अगेन लेट मी ऑल्सो टेल यू, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज ओनली फॉर वन थिंग. एज आई कीप सेइंग, अनअकैडमी इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ स्टेटमेंट. इट इज अनअकैडमी, इट इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, and again unimaginable, and it will be unbelievable for you and your preparation. Thank you so much, love you all. Milte hain kal fir se same time. Thank you. Abhi Jayan sir ki quiz hai, wait kar lena.